ताले और तालीम की नगरी से सुविख्यात स्मार्ट सिटी अलीगढ़ शहर वासियों के लिए नववर्ष बड़ी ही खुशी की खबर लेकर आया है। गांधी पार्क क्षेत्र के दिल्ली अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे स्थित 91 के करीब 110 करोड़ रुपए की लागत से पिछले 8 वर्षों से बन रहे धनीपुर मंडी एयरपोर्ट को नए साल पर विमान को उड़ान भरने के लिए DGCA से लाइसेंस मिल गया है, जिसके चलते नववर्ष के मौके पर शहर वासियों का उड़ान भरने का सपना अब लगभग पूरा होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि हवाई पट्टी से फिलहाल 19 सीटर विमान का संचालन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की उड़ान स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ सहित यूपी के 6 जिलों की हवाई पट्टी को उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट में विकसित किया जा रहा है, जहां केंद्र सरकार ने हवाई पट्टियों को एयरपोर्ट में विकसित किए जाने के निर्माण की जिम्मेदारी राजकीय निर्माण निगम को सौंपी गई थी, जिसके चलते इसमें भूमि अधिग्रहण के साथ ही निर्माण कार्य भी शामिल रहे थे। अलीगढ़ धनीपुर हवाई पट्टी का निर्माण कार्य करीब 1.5 साल में ही पूरा कर लिया गया था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद एयरपोर्ट से विमान का संचालन करने के लिए सरकार की तरफ से DGCA में लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया था, जिसके बाद शासन स्तर से DGCA की इस रिपोर्ट के आधार पर मिनी एयरपोर्ट से विमान का संचालन किए जाने को लेकर लाइसेंस जारी कर दिया गया। 90 सीटर विमानों के जरिए अलीगढ़ से दूसरे शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू की जानी है, जिसके लिए 5 किलोमीटर लंबा रनवे तैयार हो रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रनवे के लिए 675 एकड़ भूमि की मांग की थी। रनवे के लिए 675 एकड़ भूमि में से करीब 300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, जबकि 376 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। वहीं एयरपोर्ट पर एयरबेस 320 और बोइंग 737 जैसे बड़े विमान भी उतर सकेंगे, जिसके चलते अलीगढ़ के इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी तैयार किया जा रहा है। अलीगढ़ एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने से दूसरे शहरों को जाने वाले लोगों एवं कारोबारियों को इसको सीधा लाभ मिलेगा। पिछले 1.5 साल के लंबे समय से प्रदेश एवं केंद्र सरकार सहित विमान पत्तन प्राधिकरण से इसको ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार था। वहीं प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने अलीगढ़ समेत प्रदेश के 5 जिलों में एयरपोर्ट संचालन की जिम्मेदारी विमान पत्तन प्राधिकरण को दे दी थी, जिसके बाद केंद्रीय टीम ने अलीगढ़ धनीपुर एयरपोर्ट पहुंचकर टीम द्वारा एयरपोर्ट का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट दे दी थी। जो एयरपोर्ट है उसको उड़ान भरने के लिए अनुमति मिल गई है, क्या क्या निर्देश है? लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी हो गई है और कुछ अर्हताएं हैं, बस वो पूरी होनी बाकी हैं, औपचारिकता ही रह गई है। उसके बाद शीघ्र ही जैसा बताया गया है उड़ान यहाँ से शुरू होगी। सर कहाँ कहाँ के लिए यहाँ से उड़ान शुरू होगी? अभी इस बारे में जो है नागरिक उड्डयन विभाग जो है वो उसके बारे में दिशा निर्देश जारी करेंगे, उसके पश्चात जो है पता चलेगा कहाँ कहाँ के बारे में। सर इसको एक्सपेंड भी कर रहे हैं? हाँ, इसका विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है। भूमि अधिग्रहण हमारा लगभग 80% से ज़्यादा का हो चुका है और शीघ्र ही यहाँ और इसका विस्तार की प्रक्रिया जो है चल रही है।